खबर पौड़ी से है, जहां वन विभाग पौड़ी की ओर से कंडोलिया पार्क में हरेला पर्व के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि गोष्ठी में जिला अधिकारी गढ़वाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं हरेला पर्व और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने विचार रखे। वहीं जिला अधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि हरेला पर्व के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस बार 3,85,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और इसे एक जन आंदोलन के रूप में देखा जाएगा, जिसमें 15 अगस्त तक सभी लोगों की भागीदारी से वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं DFO पौड़ी स्वप्निल अनिरुद्ध ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर गोष्ठी के बाद विभिन्न क्षेत्रों बीटों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वह बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण प्रतिभागी बने और उनके संरक्षण की भी शपथ लें, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वृक्षों के प्रति प्रेम हो और सभी पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। पौड़ी से मुकेश पचेती की रिपोर्ट। ऐतिहासिक, पर्यावरणीय और एक सांस्कृतिक महत्व रखता है। उसी क्रम में जो इस साल हमारा एनवायरमेंट का थीम है, जो माननीय प्रधानमंत्री जो है उन्होंने रखा है, एक पेड़ माँ के नाम, उसको भी सम्मिलित किया गया। और प्रदेश भर में जो प्रदेश में शासन का जो टारगेट है, सरकार का जो टारगेट है कि पूरे प्रदेश भर में 45 लाख वृक्ष का रोपण करना है, उसी क्रम में जो है आज हरेला के उत्सव पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शुरुआत में स्कूली बच्चों द्वारा जो है पर्यावरण के बारे में महत्व के लिए स्पीचेस दी गई। उसके बाद में कई ऐसी वन पंचायतें हैं और फॉरेस्ट का स्टाफ है जिन्होंने वाइल्ड लाइफ में और फॉरेस्ट फायर में काफी अनुकरणीय काम किया है, अच्छा काम किया है, तो उनको जो है जिलाधिकारी समक्ष उनको सम्मानित किया गया। उसके पश्चात जो है हरेला वन में सभी द्वारा जो है वृक्षारोपण किया गया और महिला मंगल दल भी थे और अन्य और भी लोग थे जिनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया, गोष्ठियां भी करी गई और बहुत ही अच्छा सभी डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन के साथ हरेला पर्व जो है धूमधाम से मनाया गया। 3,85,000 प्लांट्स लगाए जाने और जो लोकेशन है वो 889 लोकेशन है, इसमें 237 फॉरेस्ट की लोकेशन है और इसमें लगभग 11,000 से 12,000 लोगों द्वारा प्रतिभाग किया जाना और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित जो किया गया था कि जन आंदोलन के तौर पर इसे देखा जाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी में फॉरेस्ट को लेकर कंजर्व किए जाने और इस तरीके की अच्छी हैबिट्स को हम डाल सकें। तो इसी क्रम में कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त तक हम इसे व्यापक स्तर पर 11-12 लाख प्लांट्स का प्लांटेशन किए जाने का अभी हमारा टारगेट है।